हाय दोस्तों, मेरा नाम कुंदन रॉय है और मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और मेरे इस वीडियो का टॉपिक है पॉपुलेशन ऑफ बिहार, बिहार का पॉपुलेशन। जैसा आप सब लोगों को पता है कि इस टाइम पे बिहार का पॉपुलेशन लगभग 12 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। और आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, वहाँ पर आपको बिहार के लोग ज़रूर मिलेंगे। किसी भी जॉब में चले जाओ, किसी भी तरह की एक्टिविटी में जाओ, चाहे वो नौकरी हो, एजुकेशन हो या कुछ भी हो, कोई सा भी लोकेशन हो, वहाँ पे आपको बिहार के लोग ज़रूर मिलेंगे। और उसके लिए हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। तो जिस टाइम पे हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे बिहार का पॉपुलेशन था 2 करोड़ 90 लाख के आसपास, अप्रॉक्स 3 करोड़ था। और अभी आज 2018-19 के टाइम पे हमारा पॉपुलेशन 12 करोड़ के अप्रॉक्स पहुँच गया है। एरिया हमारा 94,000 किलोमीटर स्क्वायर है। तो जब देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पर किलोमीटर बिहार के अंदर 300 से 400 लोग रहते थे, और आज 2018-19 के टाइम पे वहाँ पर किलोमीटर में 1,000-1,200 लोग रहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये पॉपुलेशन कैसे अफेक्ट कर रहा है बिहार को। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जहाँ पे बेरोजगारी बढ़ती है, मैं मानता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट की गलती है कि वो जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है, लेकिन समहाउ हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। क्योंकि दोस्तों, डेवलपमेंट तब होता है जब आपका रिसोर्स और पॉपुलेशन इक्वली बढ़े। जैसे कि जितने लोग ज़्यादा बढ़े हैं, उतने जॉब्स बढ़े, उतने एजुकेशन बढ़े, उतनी सारी और भी सुविधाएं बढ़े, तब जाके डेवलपमेंट होता है। लेकिन बिहार में एकदम सब कुछ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है कि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, लेकिन रिसोर्स के नाम पे आज भी वही सारी चीज़ें हैं। स्कूल्स बढ़ नहीं रहे, कॉलेजेस बढ़ नहीं रहे, हॉस्पिटल बढ़ नहीं रहे, कंपनीज आ नहीं रही। तो एक तरह से ये बढ़ता हुआ पॉपुलेशन बिहार को पिछड़ा करने में वो आग में घी डालने का काम कर रहा है कि मतलब जॉब बढ़ नहीं रहे और पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से लोग माइग्रेट होकर दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, अपने खाना के लिए, कपड़े के लिए, कमाने के लिए निकल जाते हैं वहाँ से। चाहे आपको पढ़ाई करनी हो, फिर भी आप बाहर जाते हो क्योंकि आपके पास स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है और कॉलेज हैं ही नहीं। जो थे पहले वो भी कुछ बंद हो गए, पता नहीं कैसे चल रहे है स्टेट, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट हाँ, मैं सारे पॉइंट्स एक एक डिटेल में बात करूँगा कि ये तो बता दिया कि असर क्या हो रहा है। असर यही हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन बढ़ रहा है और प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो अब इस चीज़ पे कंट्रोल कैसे होगा और कैसे किया जाए? तो दोस्तों, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो लिटरेसी रेट होता है, मतलब पढ़ाई का जो रेट होता है किसी भी स्टेट का। लोग जितना ज़्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे, उतनी चीज़ों को समझते हैं और वो पॉपुलेशन खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ने लग जाते हैं, बाहर जाते हैं, देखते हैं कि हम उतनी ही चीज़ें शौक रखें उतनी चीज़ों का जितने हम पाल सकें। लाइक कि आपके घर में 2 बच्चे हैं और आप उसको सही एजुकेशन दे पा रहे हो, लेकिन अगर वहीं पे 4 बच्चे हो जाएंगे तो ना उनको आप पढ़ा पाओगे, ना उनको आप उनका पालन पोषण सही से होगा, और इस तरह से वो एक पिछड़ापन बढ़ जाता है वहाँ पे। तो अब बात ये है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है। गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी निकालनी चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कि अगर आप 2 बच्चे होते हैं तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा, अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। या फिर जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है लोगों को समझाने के लिए कि भाई पॉपुलेशन मत बढ़ाओ, पहले हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, पहले हम इतने बेरोजगार हैं, अब और बढ़ाओगे तो कितनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। उसके पीछे रीजन क्लियर है कि गवर्नमेंट को एक हमेशा से डम पब्लिक चाहिए होता है। डम पब्लिक मीन्स मूर्ख जनता। अब पॉपुलेशन बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगा ही नहीं, तो पब्लिक अंधी रहेगी और वही जाति पाति के नाम पर वोट करती रहेगी। तो ये प्रॉब्लम था। अब इसकी वजह से बिहार को क्या फेस करना पड़ रहा है, आप ये देखो कि आपके अगर 5 बच्चे होते हैं तो उसमें से 4 बच्चे बिहार के बाहर होते हैं। वो बच्चे जहाँ जाते हैं, आप दूसरे स्टेट में जाके, क्योंकि आपका पॉपुलेशन ज़्यादा है, आपको पैसे चाहिए, आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो आप पेट के लिए नौकरी करते हो। लेकिन दूसरे स्टेट में लोगों के पास खाना है, वो अपनी लग्जरी लाइफ के लिए नौकरी करते हैं। तो वहाँ पर दिक्कत ये होती है कि जो दूसरे स्टेट में लोग जो काम 1,000 रुपये में करते हैं, वही काम बिहार के लोग 500 या 700 रुपये में करने लग जाते हैं, और उसकी वजह से दूसरे स्टेट के लोगों को बिहारियों से प्रॉब्लम होती है। और फिर आप बोलते हो बाद में कि हमें मार के भगाया जा रहा है या हमारे साथ गलत हो रहा है। गलत ये नहीं है। आपके सोचो, आपके गांव में 4 ट्रैक्टर चलते हैं, उसमें से किसी बाहर का एक ट्रैक्टर आ गया ना, तो आपको कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है और अपने गांव में आप नहीं चलाने देते। जब आपके गाँव में ये सिचुएशन है तो आप सोचो दूसरे स्टेट में जो लोग रहते हैं वो पहले प्रेफर करेंगे कि उनको जॉब मिले वहाँ का, और आप वहाँ जाके कम कॉस्ट में जॉब कर लेते हो, तो इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से बिहार के लोगों को हाईलाइट किया जाता है। और आप देख रहे हो कि बढ़ते पॉपुलेशन की वजह से आप जहाँ जाओ वहाँ बिहार के लोग मिलते हैं, और इससे कुछ होता नहीं है, बदनामी बढ़ रही है। अब 100 में से कोई एक होता है जो IAS होता है या IIT होता है, लेकिन जो मोस्टली जो होते हैं वो लेबर क्लास के लोग होते हैं, और उनकी वजह से बिहार का नाम खराब होता है।
इसलिए खराब होता है, ये नहीं कि वो गलत होते हैं, खराब इसलिए होता है कि उनको वहां के लोग, लोकल लोग हाईलाइट करते हैं जस्ट कि उनको प्रॉफिट हो रहा था ना आने, बिहार के लोगों के ना आने से, लेकिन जब बिहार के लोग पहुंच जाते हैं तो उनको लॉस होता है, इसलिए करते हैं। तो बात ये कि ये सब पॉइंट मैंने क्यों उठाया, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का हूं नहीं, और मैं कोई भी मुद्दा जो भी मुझे सही लगेगा कि बिहार के लिए सही या गलत है, मैं वो रेज करूंगा। मुझे इससे कोई लॉस नहीं हो रहा, और गवर्नमेंट इस चीज़ को इसलिए नहीं उठा रही कि ये लोगों का एक इमोशनल टच है। उनको पता है कि अपने यहाँ बोलते हैं ना कि बच्चे तो भगवान का प्रसाद होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, भगवान ने दिया भगवान पालेंगे। तो मैं उन सभी माँ बाप से बोलना चाहूँगा कि जब भगवान ने दिया है, भगवान ने बोला है कि भगवान ही पालेंगे, तो भैया उनको दिल्ली मुंबई क्यों भेजते हो, घर पे ही रख लो ना, भगवान तो पाल ही देंगे तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को। तो ये सिर्फ एक मिथ है, गलत फहमी है, इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाले। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा आप उतने ही बच्चे पैदा करें जितने बच्चों को आप अपने स्टेट में एजुकेशन दिलवा पाएँ, जॉब दिलवा पाएँ और सही सलामत रख सकें। तो इसी चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया था लोगों को पॉपुलेशन के बारे में बताने के लिए, आगे भी बनाते रहूँगा। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों ने एक लेट्स चेंज बिहार के नाम से मूवमेंट स्टार्ट की है पूरे बिहार के लोगों के लिए। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं और मेरी बातें आपको सही लग रही है, तो आप लेट्स चेंज बिहार मेरे फेसबुक पेज पे जाके साइन अप कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अब हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको प्लीज़ हमारे साथ आएँ, हमारे साथ जुड़ें, ज्वाइन करें और बिहार के लिए काम करें, बिहार के लोगों को जगाने के लिए काम करें, अपने बिहार के गौरवशाली इतिहास को वापस लाने के लिए काम करें। धन्यवाद।